वैसे तो अगर वफादारी की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले कुत्तों का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि कुत्ते को सबसे वफादार जानवर माना जाता है। कहा जाता है इंसान भले ही वफादार ना हो लेकिन कुत्ते काफ़ी वफादार होते हैं। आपको बता दें कि कुत्तों को भारतीय सेना में भी भर्ती किया जाता है। कुत्तों की सूंघने की तीव्र क्षमता और एक्टिव होने की वजह से इन्हें जासूसी के कामों में प्रयोग में लाया जाता है। सेना में भी इसी मकसद से इनसे काम लिया जाता है। पर इसके साथ ही ये बात भी सुनने में आती है कि भारतीय सेना रिटायरमेंट के बाद वफादार कुत्तों को मार देती है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सच है, पर इसके पीछे कुछ वाजिब वजह है और आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। सब जानते हैं कि भारतीय सेना हो या फिर पुलिस, यहाँ इंसानों के साथ साथ कुत्ते भी काम करते हैं। कुत्ते बहुत सी ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय सेना इन कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद खुद ही गोली क्यों मार देते हैं? क्या ये गलत नहीं है? और अगर है तो भारतीय सेना एक कुत्ते को कैसे मार सकती है? ऐसा ही एक नज़ारा व्यक्ति ने RTI के जरिए रिटायरमेंट के बाद कुत्तों को गोली से मारे जाने को लेकर सेना से जवाब मांगा था, जिसके जवाब में सेना ने कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद मारे जाने की वजह बताई। सेना के अनुसार रिटायरमेंट के बाद कुत्ता किसी ऐसे व्यक्ति को ना मिल जाए जिससे देश को हानि पहुंच सके, क्योंकि कुत्ते को भारतीय सेना के हर उन गुप्त स्थानों के बारे में पता होता है जो उसे ट्रेनिंग के दौरान बताए जाते हैं। भारतीय सेना ने ये भी बताया कि अगर कुत्ते का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो उसका चेकअप भी करवाया जाता है। सेना के मुताबिक यदि इलाज के दौरान एक महीने तक कुत्ते की हालत में कोई सुधार नहीं होता तब भी उसे मार दिया जाता है। साथ ही इसके पहले पूरे सम्मान के साथ उसकी विदाई की जाती है। यदि इन कुत्तों को एनिमल वेलफेयर सोसाइटी या किन्हीं निजी हाथों में दे दिया जाता है तो वे उस कुत्ते को वैसी सुविधाएँ नहीं दे सकते जो उन्हें सेना में मिलती है। सेना में कुत्तों को विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। हालाँकि केंद्र सरकार ऐसी नीति तैयार करने की कोशिश में है जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद इन्हें मारा ना जाए। आपको बता दें कि सेना में रिटायरमेंट के बाद कुत्तों को मारने का चलन अंग्रेजों के वक्त से चला आ रहा है।